वहीं बोकारो में संदिग्ध हालत में एक महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि राहगीरों ने शव को देखा और पुलिस को सूचित किया। पुलिस के मुताबिक मृतक महिला के पास से जूती, स्वेटर और पर्स भी बरामद हुआ है। वहीं पुलिस ने लाश को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। मामला बोकारो के चंद्रपुरा थाना क्षेत्र का है। और इस पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश जुड़ चुके हैं बोकारो से। दिनेश, संदिग्ध हालत में इस तरह एक महिला का शव मिलना और इलाके में जो है कि सनसनी का माहौल है, और वहां पर क्या पुलिस प्रशासन ने अब तक कोई कार्रवाई की है? जी देखिए, पुलिस प्रशासन मौके पर शव मिलने के तुरंत बाद ही जो सूचना उन्हें मिली थी उस सूचना के बाद मौके पर पहुंच चुकी थी। वहां के जो इंस्पेक्टर जो है नूतन मोदी खुद वहां घटनास्थल पर गई थी और वहां से जो चीज जो संगीन हालात में जो मिले हैं और अर्धनग्न अवस्था में जो शव मिले हैं वो शव के ऊपर किसी तरह का जख्म का निशान न होना एक अपने आप में कोई सवाल भी बनता है और वहां खून का एक कतरा भी मौके पर नहीं मिला। तो सवाल अब यह है कि आखिर वहां खून का कतरा नहीं मिला, क्या उसी घटना स्थल पर घटना को दिनेश एक बात बताइए हमें, ये कि दिन दहाड़े इस तरह संदिग्ध हालत में शव मिल गया महिला का, आखिर किस वजह से महिला की हत्या की गई, ये कुछ सामने निकल कर आ रहा है वहां से? देखिए, अभी तक तो पुलिस या फिर पब्लिक दोनों यही कयास लगा रहे हैं कि महिला के साथ दुष्कर्म करने के बाद इस घटना को अंजाम दिया गया है, लेकिन पुलिस का इस मामले में कहना यह है कि जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाता है तब तक इस मामले में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी और पुलिस कुछ भी बताने से इस मामले में परहेज कर रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दिनेश।